अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेटा। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो नेचुरली फाउंड होते हैं, जो नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, यानी एनिमल्स के बॉडी में और प्लांट्स के बॉडी में। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स वगैरह, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे इस सिलेबस के अंदर आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स पे होगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और इनकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें से मैं एक टाइप जो है मोनोसेक्राइड्स उसको आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बेटा आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, उर्दू मीडियम में भी इनको कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं, और दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, जिनका वेट जो होता है वो बड़ा होता है, ज़्यादा वेट वाले ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है हम उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और केमिकली जो इनकी डेफिनेशन है, इनकी जो हम तारीफ करते हैं वो ये है कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं उन्होंने भी ऐसे ही याद करना है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। इसकी अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको क्लियरेंस देता हूं कि पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग जानते हैं, C6H12O6। इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो 6 कार्बन है, तो इनको आप लोगों ने स्ट्रेट चेन में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये है C6। इसमें जो ये नंबर 1 कार्बन है इस पे लगा होता है एल्डिहाइडी ग्रुप, C OH, या इसको CHO आपकी बुक में लिखा हुआ है। इस ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइडी ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है, हमने पिछले चैप्टर्स में फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे तो वहाँ पे एल्डिहाइडी ग्रुप हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे बेटा जो है ना वो OH एटम, तीसरे नंबर पे OH, थोड़ा इसको यहाँ पे आपने रिवर्स लिखना है उसके ऊपर वालों की निस्बत, फिर OH, H, OH, H, OH, H और ये है, या इसको आपकी बुक में आखिरी नंबर वाली जो कार्बन है CH2OH लिखा हुआ है। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप देखेंगे C6 है, H12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ऑक्सीजन है 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें बेटा ये जो ये OH ग्रुप है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो ये इसमें OH देखें आपको 1, 2, 3, 4, 5, तो हम इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। क्योंकि एक होगा उसके लिए बोलते हैं मोनो, दो होंगे तो उसके लिए बोलेंगे डाई, तीन के लिए ट्राई, और जब ज़्यादा होते हैं तो क्या बोलेंगे इनको, ये क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी। और ये ग्रुप एल्डिहाइड है, एल्डिहाइडी ग्रुप, तीसरे इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यही अगर हम बात करें बेटा कीटोन के लिए, जैसे अपना ये ग्लूकोज है तो फ्रुक्टोज का भी बेटा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 ही होता है। इसका स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और यहाँ पे ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। ये कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे बेटा OH, H
और ये एच, या इसको इकट्ठा लिखेंगे तो सी एच टू ओ एच। यहाँ पे तीसरे नंबर कार्बन पे इसको उल्ट लिखना है उसके रिवर्स में, और यहाँ पे ये ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच और ये एच। अब इसको हम बोलेंगे ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है और ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, इसे हम इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसको अगर हम नंबरिंग के लिहाज से देखें, चूंकि पाँच ओ एच ग्रुप हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो हम इसको पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं और ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अगर जनरल इसकी डेफिनेशन लिखें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो क्या होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब जो OH ग्रुप होते हैं, जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं वो इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड होंगे और या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेटा प्लांट्स के अंदर बनते हैं फोटोसेंसिस के अमल में। सबसे पहले आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन याद करनी है, शॉर्ट में आप लोगों को ये आ सकती है। फिर आप लोगों को बेटा पता है कि जो फोटोसेंसिस का अमल होता है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का रिएक्शन होता है सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट और C6H12O6 और प्लस साथ में ऑक्सीजन जो है वो बनती है। तो ये जो ग्लूकोज है आप देख सकते हैं कि ये फोटोसेंसिस के अमल में प्लांट्स ने इसको तैयार किया है। तो ये रिएक्शन भी आप लोगों को आना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं उनके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके बनने का रिएक्शन, यानी फोटोसेंसिस का जो अमल है उसका आपने रिएक्शन लिखना है। यहाँ तक आपको दो बातें समझ आ गई, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और प्लांट्स में ये कैसे बनते हैं। अब बेटा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी थ्री टाइप्स हैं, तीन इनकी इकसाम हैं, वो कौन कौन सी हैं, नंबर वन मोनोसैकेराइड्स, उर्दू मीडियम में भी आप लोगों ने मोनोसैकेराइड्स, नंबर टू पे ओलिगोसैकेराइड्स और नंबर थ्री पे पॉलीसैकेराइड्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको हम सैकेराइड्स भी कहते हैं, ये सैकेराइड का जो लफ्ज़ है ये सैक्रोन से निकला है जिसका मतलब है शुगर, क्योंकि जितनी भी शुगर्स हैं वो इसी फैमिली से तलक रखती हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाली फैमिली से, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं। सैकेराइड सैक्रोन से निकला है जिसका मतलब है शुगर। अब तीन टाइप्स आ गई, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ पे हम नंबर वन जो टाइप है मोनोसैकेराइड्स इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। बेटा जो मोनोसैकेराइड्स हैं दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल या सिंपलेस्ट कह लें, सबसे जो सादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसैकेराइड्स हैं। उसकी वजह ये है कि हम इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ये सादा तरीन जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, सबसे सादा जो किस्म है वो मोनोसैकेराइड्स हैं। क्यों? चूँकि इनको हम कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है कि ये पानी के अंदर जो है वो मज़ीद फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होते, टूटते नहीं हैं, इनको मज़ीद हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इनको बोलते हैं ये क्या है, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं एमसीक्यू में आपको आ सकता है बेटा, वो 3 to 9 तक कार्बन एटम होते हैं, यानी कार्बन के एटम जो हैं वो कितने होते हैं, 3 to 9 तक। सबसे कम जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन एटम की जो तादाद है वो 3 है, ठीक है, 3 से कम वाला
कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, तीन वाला होगा, चार कार्बन, पांच, छह, सात, आठ, नौ तक जो है वो कार्बन के एटम होते हैं मोनोसेकेराइड्स के अंदर। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पे इनकी फिर आगे क्लासेस है। मसलन अगर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन वाले के लिए हम बोलते हैं ट्राइओसिस। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में तीन कार्बन के एटम हों तो हम उसे कहते हैं ट्राइओसिस, चार होंगे तो टेट्राओसिस, पांच होंगे तो पेंटाओसिस। समझ आ रही बात की? यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पे इनको आगे मजीद हम जो है वो मोनोसेकेराइड को ट्राइओसिस, टेट्राओसिस, पेंटाओसिस, हेक्सोसिस, हेप्टाओसिस, ऑक्टाओसिस, इनमें हम इनको क्लासीफिकेट करते हैं, इनकी तकसीम करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो हैं बेटा हेक्सोसिस। ये जैसे अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल दी C6H12O6, ये ग्लूकोज का भी फार्मूला यही है, मोलिकुलर फार्मूला, और फ्रुक्टोज का भी मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6 ही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन बताई थी तभी बता दिया था कि जो ग्लूकोज है बेटा ये पेंटाहाइड्रोक्सी का मतलब इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो पेंटाहाइड्रोक्सी ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और जो फ्रुक्टोज है ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। दोनों का स्ट्रक्चर आपको बोर्ड के पेपर में आ सकता है, आया भी हुआ है पहले भी, कि ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो ड्रा करें। आप लोगों ने ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर जो हैं इनको भी मोनोसेकेराइड्स में, चूँकि ये दोनों मोनोसेकेराइड हैं, छः कार्बन वाले हैं, हेक्सोसिस इनको बोलते हैं, ठीक है, इनके भी आपने स्ट्रक्चर याद करने हैं। उसके बाद बेटा इनकी एंड में प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि मोनो जो सेकेराइड्स होते हैं इनकी खसूसियात क्या क्या हैं। तो पहली बात यह है कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये दीज आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहले नंबर पे क्या है, ये क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठोस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन ठोस हैं, सफेद सफेद क्रिस्टलाइन ठोस हैं, जो के पानी में हल होते हैं, सोलोबल इन वाटर है। मतलब क्या है कि पानी में ये डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में हल होते हैं। उसके बाद बेटा इनका जो टेस्ट होता है ना वो स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट इनका जो होता है वो मीठा होता है। और दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, यानी इनके अंदर जो है वो रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम इनको कौन सी शुगर बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये इनकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं मोनोसेकेराइड्स की, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा दूसरी और तीसरी टाइप जो कार्बोहाइड्रेट्स की है, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।